अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। यहाँ पर बेलगाम शहर में वक्फ बोर्ड का चुनाव, वक्फ बोर्ड का इलेक्शन हो रहा है। हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, कर्नाटक स्टेट के यमायम के जिम्मेदार उस्मान गनी साहब। साहब आप भी यहाँ पर आए हुए हैं जी, तो आप पहले तो वक्फ बोर्ड के चुनाव को लेकर बताइए कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को निशाने पर लिया जा रहा है, उस वक्त ये चुनाव कितना मायने रखता है? अभी देखिए, चुनाव में जो चलता है, पहला वक्फ बोर्ड का इलेक्शन होता था, किसी को मालूम ही नहीं होता था कि ये क्या है क्या नहीं, कुछ भी मालूम नहीं होता। अब ये कैसे बड़ी शख्सियत है, हमारे KBN यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सज्जाद नसीन साहब, वो इसमें अभी कैंडिडेट होकर दाखिला लिए हैं। तो अभी सब लोगों को ये वजन पड़ रहा है कि क्या ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग इसके अंदर आए हैं ना। तो इसके लिए हमने हमारे MIM के ऑफिस की तरफ से, हमारे MIM की तरफ से, हम लोग हमारे अली बाबा को वोट देने का फैसला लिया है। ठीक है, MIM की बात कह रहे हैं सर, तो MIM का भी महाराष्ट्र का चुनाव भी है, बाई इलेक्शन में तो तुम्हारा यहाँ पर कर्नाटक में कुछ नहीं था, तो हर जगह पर MIM को काम बिगाड़ने वाली पार्टी के तौर पे कहा जाता है, ये इल्ज़ाम कहाँ तक? वो ऐसा ही बोलने वाले हैं ना, नहीं तो वो अभी कांग्रेस वाले ये समझते हैं कि हमारा ये वोट बैंक है, वोट बैंक नहीं करेंगे। जब तक नकी के मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहेंगे ना, उन लोगों को तकलीफ होने वाला है। वो तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अगर 10 जुमले अगर इस्तेमाल करते हैं तो 8 कांग्रेस के खिलाफ करते हैं और 2 BJP के खिलाफ करते हैं, तो कहीं तो भी शक आने की बात कही जाए? शक की ऐसी बात नहीं, वो लोग यही बोलते हैं कि तुमने जो पैदा हुए हैं हमको कांग्रेस को वोट देने के लिए तुम पैदा हुए हैं। आप लोग किसी के साथ गठबंधन में क्यों नहीं आते? आप अपने अलग से ही क्यों चुनाव लड़ते रहते हैं हमेशा? आपको नज़दीक क्यों नहीं लिया जाता? आप हमको क्यों नज़दीक लेते? हमारा एक कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा एक पॉलिसी अलग है। हम लोग ये बोलना चाहते हैं, हम जाने के साथ में हमारे नस्ल को बता के जाएंगे कि तुम लोग दूसरों के पीछे नहीं जाना चाहिए, तुम खुद लीडर होना चाहिए। ये कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में आप भी कहीं तो जिम्मेदार माना जाता है। वो बोलते हैं जी, उनको नुकसान होता है ना हम लोग खड़े होने से, एक दुकान के सामने और एक दुकान लग रहा है तो तकलीफ होने वाला। वो ये बोलते हैं कि मुसलमान खरीद कांग्रेस को वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं, सेक्युलर वोट के साथ, सेक्युलर पार्टियों के साथ क्यों गठबंधन में नहीं आते आप? गठबंधन हुआ है ना, कहाँ नहीं हुआ? हुआ है। वो लोग, वो कांग्रेस वाले नहीं चाहते हैं ना, नकी में मिलत को जाके मिलना करना पसंद नहीं करते ना वो लोग। इसके लिए हम लोग ये फैसला लेते हैं कि हम खुद लड़ेंगे, आज नहीं कल इंशाल्लाह हम लोग इख्तियार में आएंगे इंशाल्लाह। नहीं, क्या बात है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर नजर आते हैं, दूसरा मुसलमानों में कोई लीडर नहीं है क्या? इस तरह की बात है? दूसरा मुसलमान जो है ना, उतना डट के हक बात कहने का, आंखों में आंखें डालकर बात करने की वो ताकत नहीं है ना। जब नहीं नहीं मीडिया, जब एक तरफ गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, आजकल ये लफ्ज प्रचलित है, गोदी मीडिया में असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों नजर आते इस तरह की? असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी शख्स हैं, इस देश के एक महबूब कायद एक ही हैं कि इस्लाम को जानते हैं, कानून को जानते हैं, नौजवानों की फिक्र को जानते हैं, मुसलमानों की तरक्की को जानते हैं। वो सारे जानने वालों को मीडिया में बुलाया जाता है, अगर कोई कुछ भी नहीं जानने वालों को बुला के क्या करेंगे मीडिया वाले? अच्छा, तो ये जो मीडिया जो भाजपा के अंडर ऑपरेट होती है उसमें अगर बुलाया जाता है तो ये सिर्फ उनकी काबिलियत को देखकर बुलाया जाता है, इस तरह की बात है? वो बात नहीं है। देखिए, वो BJP का हो, कांग्रेस का हो, JDS का हो, सबको संबंध नहीं है, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, अशहदुल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अशहदुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। कर्नाटक में सर MIM का इम्पैक्ट नहीं है कर्नाटक में, कई बार हम देखने के बावजूद भी कर्नाटक में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, आप तो जिम्मेदार हैं, क्या वजह रही इसकी? मुसलमान आपके साथ क्यों नहीं आना चाहते? क्यों नहीं है? अभी एक भी नहीं था ना, हम लोग 3 महानगर पालिका में हुबली में जीत लिए, बेलगाम में एक भी नहीं था, एक जीत लिए, कोलार में 3 जीत लिए, बीजापुर में 3 जीत, 2 जीत लिए, क्यों नहीं जीत रहे हैं हम लोग? कहाँ पे एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे जीतते ही जीतते हैं हम लोग। आप सीमांचल में भी जीते थे, JDU के साथ चले गए, आपके साथ रहना नहीं चाहते कोई भी? कोई भी रहना नहीं चाहते, नहीं ख्याल नहीं जमता है ना उनका, हम डट के बात। लेकिन आप पार्टी के साथ जीतने के बाद फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं, ये बता रहा हूँ? वो देखो, पॉलिटिक्स में होने वाला जी, वो अब चंद लोग रहते हैं, चंद लोग जाते हैं, चंद लोग अब मुसलमान ही मुसलमान लोग ही थोड़ा कुछ गड़बड़ करते हैं, जाते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, फिर आएंगे 2 जाते हैं तो 20 आएंगे। नहीं, लेकिन अगर एक तरफ मुसलमानों को करने से क्या हम यहाँ पर सर्वाइव हो पाएंगे? हम एक तरफ होकर मुसलमान नहीं करते ना, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सारे सेकुलर पार्टी है, MIM जो मुसलमानों की पार्टी है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, नहीं मुस्लिम इतिहास बनाने के लिए है, मुसलमानों को इतिहास करने का, मुसलमानों को राइट्स लेने का, मुसलमानों को लड़ने का, मुसलमानों को हुकूमत करने वाला। इस देश में 800 साल हुकूमत किए मुसलमान, जब ये वोटिंग डाक है ना, जब से कम होते जा रहे हैं, फिर भी इंशाल्लाह नकी मिल जब तक रहेंगे और जाएंगे, लीडर बना के ही जाएंगे, लीडर बना के छोड़ के ही जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, कर्नाटक में अगर फिर से माहौल बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि क्योंकि मुसलमान एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाते हुए देखने में मिलता है? नहीं, ये कांग्रेस में ऐसा परसेंटेज कम है, हमारे 12.5% है, जैसे महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उतना परसेंटेज में नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ रहे हैं, जम रहे हैं। अभी आपके नज़र में दिख रहा है ना,
हुबली में 3 जीत के हैं ना, बेलगाम में 1 जीत के हैं ना, कोलार में 3 जीत के हैं ना, बीजापुर में 2 जीत के हैं ना, फिर कुछ भी नहीं थे, 0 में थे हम लोग। क्या बीजेपी पार्टी 30 साल पहले था? सिर्फ 2 था बीजेपी, एक वाजपेयी था, एक बंगारू लक्ष्मण था, 2 थे। आज कितने हो गए? इंशाल्लाह हम भी आएंगे फोर्स में। वो हिंदुत्व की बुनियाद पर वहाँ तक पहुँचे हैं, तुम्हारे पास क्या कंसेप्ट है? वो हम हिंदुत्व की बात नहीं करते, हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम ये जात पात की बात नहीं करने वाले, नेकी कर दरिया में ढाल, खत्म। हम खिदमत करते जाने वाले आगे रखे। वही कलमे का वास्ता आप दे रहे हैं, तो कलमा को मुसलमान आपके साथ क्यों नहीं, यही सवाल है मेरा। कलमा को मुसलमान रहने से कुछ नहीं, यजीद कलमा ही पढ़ता था ना, तो बाकी जो आपके साथ नहीं है वो यजीद की तरफ। हम नहीं बोलते, कलमा को बोल रहे हैं। आपका कहना? हमारा कहना ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आ जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। हमको आज ही चढ़ के एकदम राज करना के नहीं है, जब अल्लाह ताला जब मौका देगा, जब राज करके दिखाएंगे। यहाँ के मुकामी लतीफ पठान कहीं पर नजर नहीं आते सर, क्या बात? वो उनसे पूछने तो मालूम पड़ेगा। आपके जेरे मातहत है ना? जेरे मातहत तो पार्टी में काम कर रहे हैं। वो एकला 24 घंटे सरगर्म करता है, एकला 2 घंटे करता है, 4 घंटे करता है, एक दिन करता है। वो पॉलिटिक्स में चलने वाला ही, वो थोड़ा अप एंड डाउन चलने वाला है पॉलिटिक्स में। मुसलमानों के इश्यूज पर जो फिलहाल चल रहा है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? कई सारे नए कानून वक्फ बोर्ड को लेकर भी कई सारे मामला चल रहे थे। ठीक है बीजेपी गवर्नमेंट था, 4% मुसलमानों को निकाल के लिंगातों को दिया। यही MIM के सर उस्मान गनी जाके दिल्ली जाके स्टे लगाए ना, हम लोगों ने लास्ट है। कोई मुसलमान लाया है क्या स्टे? नहीं लाया है। MIM के सर जाके दिल्ली में जाके स्टे लेके आए ना, हम लोग मुसलमानों का जो है ना वो लोग हम करते ही रहेंगे, खिदमत करते ही रहेंगे हम लोग। आने वाले दिनों में क्या मनसूबाबंदी रहेगी सर MIM की? आगे वाले दिनों में देखिए जुड़ाएंगे, ख्वातिनों को भी साथ मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम आएंगे, कितने हिंदू लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आएगा। जैसे हिंदू जुड़े हैं सर आपके साथ? बहुत से लोग जुड़े हैं। तो अभी देखो, अभी हम लोग पार्टिसिपेट नहीं किए हैं ना असेंबली में, ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तमाम स्टेट के लोगों ने, तमाम उलमाए दीन ने, तमाम लोगों ने बोला कि नहीं सर आप थोड़ा रुकिए, इसलिए तो थोड़ा हंस गए, नहीं तो 22 सीट डालने का फैसला लेते सामने, फिर सभी लोग बोलने के बाद थोड़ा कैंसिल कर दिए। सर आप सिर्फ जज्बाती बातें करते हैं, आपके पास एजेंडा कोई भी नहीं है। नहीं, एजेंडा क्यों नहीं है? एजेंडा ये है कि हमारे, अगर तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं तो बनाइए, तुम्हारे बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं बनाइए। कैसा बनाएंगे? उससे पहले तुम लोग लीडर बनाएंगे, लीडर बनाना है बच्चों को हम लोग। नहीं, वही कैसा बनाएंगे? डॉक्टर इंजीनियर बताइए। डॉक्टर इंजीनियर पढ़ेंगे तो बनेंगे ना। अभी हम लोगों ने कितना मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग, हम 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पास हो गए। सिर्फ हैदराबाद में तो वो कॉलेजेस वगैरह, पूरे मुल्क भर में तो आप सियासत करते हैं, हर जगह पर जाकर 50-100 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। करें 50-100 कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, सिर्फ एक ही बार उधर खड़ा किया था, जितने कैंडिडेट गए। देखिए वो इल्ज़ाम है सिर्फ खाली। तो हैदराबाद में बढ़ाओ ना, तुम्हारी जगह वहाँ पर फिर माइनस हो रहे तो ऐसे माइनस कहाँ होगा? 7-7 चुन के आए ना हमारे, माइनस नहीं हुआ हैदराबाद में। यहाँ पर महाराष्ट्र में आपके इम्तियाज जलील हो, फिर वो भी लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं, हमारे ताकत के हिसाब से लड़ते हैं जी। ऐसा नहीं कि हाथ में बीन जावल के सभी डालते नहीं जाने का, ऐसा चल रहा है। अच्छा, आने वाले दिनों में बेलगाम में भी कुछ इंशाल्लाह बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। हुबली में बनाएंगे। कर्नाटक में कितने खड़ा कर? कर्नाटक में कम, अभी चल रहे हैं, हमारा सर्वे चल रहा है, कैसा करना है क्या करना चल रहा है। एकदम ढाल के खाम का इल्ज़ाम को लोगों को बोलने के लिए, मुँह खोलने के लिए चांस नहीं देने का, काम करके दिखाने का। अब काम करेंगे ना, महाराष्ट्र में चुन के जीत के आएंगे ना, मालूम पड़ेगा कि कितना काम कर रहा है बोल के। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। कितने महाराष्ट्र में कितने कैंडिडेट उतारे हैं सर? 12 कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन 25 जगह पे नुकसान हो सकता है, इस तरह का एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। वो एग्जिट पोल वालों को छोड़ दीजिए साहब, 12 खड़ा हो तो 25 को क्यों जाएंगे हम लोग? जो हमारे कैंडिडेट खड़े वहीं खिदमत करेंगे ना। हमारे कैंडिडेट छोड़ के दूसरे पर कोई जाता है क्या? अपना खेत छोड़ के दूसरे खेत जाता है? उद्धव ठाकरे के साथ है क्या? ये शिंदे के साथ है? उनके साथ में, इनके साथ अलग ही है। अलग ही है। अच्छा।